मूवी की स्टार्टिंग 1952 में न्यूमोनिया को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर दोनों एक कमरे की तरफ जा रही होती है। उनके दोनों साइड काफी सारा क्रॉस लगा होता है। यह शायद किसी डीमन को रोकने के लिए यहाँ पर लगाया गया होगा। फिर इन नन में से एक नन का नाम विक्टोरिया होता है, जो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो कहती है कि हम सही करने जा रहे हैं। इस पर दूसरी नन कहती है कि हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। जब वो दोनों एक दरवाजे के पास पहुँचती है तो वहाँ पर लैटिन भाषा में पिनिटिक डियो लिखा होता है, यानी गॉड का साथ यहीं तक। फिर वो दोनों में से एक नन हाथ में चाबी लेकर उस दरवाजे के पीछे जाती है और कहती है गॉड पर भरोसा रखो। यह कहकर वो अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद उसके चीखने की आवाज आती है, जो काफी ज्यादा डरावनी होती है। इस पर दूसरी नन वहाँ पर जोर से प्रेयर करने लगती है। फिर वो नन जो कमरे के अंदर गई थी वो खून में लथपथ बाहर आती है और चाबी देकर दूसरी नन को कहती है तुम्हें पता है क्या करना है और उसके हाथ तुम नहीं आना, क्योंकि उसे इस दुनिया में आने के लिए एक शरीर चाहिए। तभी उस नन कोई पावर अपने अंदर खींच लेती है। इसके बाद वो नन वहाँ से भागने लगती है। वो नन को भी ऐसा लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगी, फिर वो सुसाइड कर लेती है। यहाँ पर हमें उस डीमन की झलक देखने को मिलती है, जो कि एक नन के रूप में होता है। अगले दिन एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रांसी होता है, जो वहाँ पर नन के लिए खाने पीने का सामान पहुँचाता था। फिर वहाँ पर उसे उसी नन की बॉडी लटकी हुई मिलती है, जिसे कौवे खा रहे होते हैं। फिर वह नीचे गिर जाती है। फिर हमें वेटिकन सिटी में फादर बर्क को देखते हैं, जिसे फादर बिशप ने बुलाया था। यहाँ पर सभी फादर मिलकर एक मीटिंग कर रहे होते हैं, जिसमें सब फादर बताते हैं कि रोमानिया के अवे चर्च में एक नन ने सुसाइड कर लिया है और उन्हें इस केस के बारे में पता लगाने के लिए जाना होगा। इसमें फादर का साथ देंगे सिस्टर एरिन, जो कि अभी तक नन होने का शपथ भी नहीं ली है। फादर बिशप बताते हैं कि यह वहीं पर पली बड़ी है, तो शायद उसे वहां की जानकारी होगी। फिर फादर सिस्टर एरिन से मिलने जाते हैं, जिस पर एरिन बताती है कि वो कभी भी रोमानिया नहीं गई और फादर को सॉरी बोलती है और कहती है शायद उन्हें मुझे चुनने में कोई गलती हो गई होगी। जिस पर फादर कहते हैं कि नहीं, वेटिकन ने इसे चुना है तो सोच समझ कर ही चुना होगा। इसके बाद फ्रांसी को एक सपना आता है, इसमें काफी सारा खून होता है। इसके बाद वो डर कर उसकी आँख खुल जाती है। फिर वो उठकर देखता है तो उसे मिलने के लिए फादर और एरिन आए होते हैं। यहाँ पर उन्हें फ्रांसी बताता है कि वो अभी में खाने पीने के सामान पहुँचाता था, क्योंकि कोई भी नन उस अभी से बाहर नहीं आती थी। यहाँ पर फादर उससे पूछते हैं कि हमें वहाँ पर कौन ले जा सकता है, जिस पर फ्रांसी बताता है कि गाँव का कोई भी आदमी वहाँ नहीं जाता, क्योंकि उस अभी को वह लोग आत्माओं का साया मानते हैं। फिर फ्रांसी उन्हें उस अवी यानी कैसल के पास ले जाता है और बताता है कि यहीं पर उसने उस नन को देखा था। जिस पर फादर पूछते हैं कि उसकी बॉडी कहां पर रखे हो, जिस पर फ्रांसी बताता है कि वह उसे आइस रूम में रखा है। फिर उन्हें वहां ले जाता है और वहां पर फ्रांसी नन की बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है और बताता है कि मैंने इन्हें इस तरह बैठा कर नहीं रखा था, बल्कि इन्हें लेटा कर रखा था। जिस पर फादर नन की बॉडी को चेक करते हैं और उन्हें उसके हाथ में एक चाबी मिलती है। फिर इसके बाद वह लोग उसकी बॉडी को पूरी सम्मान से दफना देते हैं। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पर सभी कब्र पर एक घंटी लगी होती है, जिस पर फादर बताते हैं कि महामारी के दौरान कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि हाथ पर नहीं हिला सकते थे, तो उन्हें लोग मरा हुआ समझ कर दफना देते थे और वह घंटी बजाकर बता सकता था कि वह अभी मरा नहीं है, जिससे बाहर के लोगों को पता चल जाता था कि वह जिंदा है। इसके बाद वह लोग वहां पहुंचते हैं जहां पर नन की बॉडी लटकी हुई थी। यहां पर फादर उसके ब्लड को चेक करते हैं तो वो एकदम फ्रेश होता है, जबकि उसे मरे हुए 1-2 हफ्ते हो गए थे। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। फिर वह लोग उस कैसल के अंदर जाते हैं, वहां पर उन्हें एक नन मिलती है जिसकी आवाज़ काफी डरावनी होती है। यहां पर फादर फ्रांसिस से कहते हैं तुम चले जाओ और कुछ दिन बाद हमें लेने के लिए चले आना। इसके बाद फ्रांसी यहाँ से चला जाता है। इस पर वह नन उन्हें भी वहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि अब उसके प्रेयर का टाइम हो रहा था और वह इसके बाद सुबह तक मौन रहती है। वह नन इन्हें सुबह बुलाती है और उन्हें उस कैसल में रुकने के लिए कहती है। इसके बाद फ्रांसी जा रहा होता है तो उसके रास्ते में उसी नन की झलक दिखती है और उसके सामने वह फांसी लगा कर लटक जाती है और फिर फ्रांसी पर हमला कर देती है, जिससे किसी तरह फ्रांसी उससे बचकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद फादर और सिस्टर एरिन डिनर कर रहे होते हैं और वो अपनी बीती हुई कल के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। इस पर एरिन कहती है कि उसे बचपन में बहुत सारे सपने आते थे, जिससे देखकर उसके फादर उसे पागल समझते थे, लेकिन जैसे ही उसके बारे में चर्च को पता चला, फादर बिशप ने उसकी मदद की और वो बताते हैं कि हर सपने के बाद उसे मदर मेरी रास्ता दिखाती थी। तो दोस्तों, हो सकता है कि यही कारण की वजह से उसे चुना गया हो। इसके बाद फादर बताते हैं कि आज से 20 साल पहले फ्रांस में एक लड़के के अंदर डीमन को निकालने के लिए गए थे, जिसका नाम डैनियल था। उसका एक्सोसिज्म करते समय उसकी हालत काफी खराब हो गई थी, जिसकी मौत हो जाती है और फादर को पछतावा होने लगता है कि उसे वह नहीं बचा पाए। इसके बाद वह दोनों सोने चले जाते हैं। तभी आधी रात को वहां पर रखे रेडियो बजने लगता है
जिससे फादर की नींद खुल जाती है और उसे वो बंद करते हैं तो उन्हें किसी बच्चे की झलक दिखती है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। वो उसका पीछा करते करते कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें डैनियल दिखता है जिसके मुंह से एक सांप निकल रहा था और वो फादर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे बचने के लिए फादर उल्टा ही भागने लगते हैं। वह एक कॉफिन में गिर जाते हैं, वो कॉफिन अपने आप बंद हो जाता है, फिर वो वहीं पर दफन हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कब्र भी वही घंटी लगी होती है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। फादर उस घंटी को बार बार बजाने लगते हैं और इधर सिस्टर एरिन की नींद हवा के झोंके वजह से खुल जाती है। इसके बाद वो फादर को ढूंढते ढूंढते एक चर्च में पहुंच जाती है जहां पर उसे उस डीमन की साया दिखता है और वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा होता है और वह अचानक ही एरिन के पीछे आ जाता है और जोर से चिल्लाती है जिससे वहां का आईना टूट जाता है, जिससे वह डर कर कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। तभी वहां पर सभी कब्र की घंटी बजने लगती है। फिर एरिन अपने विजन से फादर की कब्र का पता लगा लेती है और उसे खोदना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि फादर पर कोई डीमन हमला कर देती है। वह डीमन फादर को मारने वाली ही होती है। तभी मेन वक्त पर एरिन उन्हें कब्र से निकाल लेती है। फादर को उस कब्र में से कुछ डायरी मिलती है जिसे वो अपने साथ रख लेते हैं। फिर सुबह वो लोग एवी में जाते हैं तो उन्हें वहां पर और ज्यादा खून मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं जहां पर फादर मदर को आवाज देते हैं, लेकिन उधर से उन्हें कुछ भी रिप्लाई नहीं आती। इसके बाद वहां पर एक गेट खुलता है जहां पर फादर एरिन को अंदर जाने के लिए कहते हैं, साथ ही उस चाबी के बारे में पता लगाने के लिए बताते हैं और वो वहीं पर उसका इंतजार करेंगे। फिर सिस्टर एरिन अंदर जाती है तो उसे एक नन की झलक दिखती है, तो वो उसका पीछा करते करते एक चर्च में पहुंच जाती है जहां पर एक नन प्रेयर कर रही होती है। वहां पर एक नन और मिलती है जिसका नाम ओआना होता है। वो सिस्टर एरिन को बताती है कि हमारे बीच एक चुड़ैल है जो नन के रूप में हम सबके बीच में घूम रही है, इसलिए हम बारी बारी से प्रेयर करते हैं। इसके बाद वो एक और कहानी बताती है। आज से 100 साल पहले ड्वीप सो कार्टन ने यहाँ पर कई लोगों को मार कर लटका दिया था और उनके खून से एक पोर्टल खोलना चाहता था ताकि इस दुनिया में शैतान आए। वह शैतान निकलने ही वाला होता है कि चर्च के लोगों को उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं। फिर उस पोर्टल को जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून उस पर गिराकर शैतान को उसी पोर्टल के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन वार में कई सारे बमबारी हुई जिसके दौरान वो पोर्टल खुल गया है, जिससे वह शैतान बाहर आ गया है और वह हम सबके बीच में घूम रहा है। इधर फादर उस पोर्टल के गेट को ढूंढते हैं, तभी उन्हें एक आवाज आती है कि तुम उस गेट को ढूंढ नहीं पाओगे। यह आवाज उसी नन की होती है जिससे वह कल मिले हुए रहते हैं। इसके बाद फादर जैसे ही उस नन के पास जाते हैं, वह नन उनका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन किसी तरह वह हाथ अपना छुड़ा लेते हैं, जिसके बाद वह नन वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद डैनियल फादर पर हमला कर देता है, जिससे वह किसी तरह फादर उसे छुड़ा कर हार जाते हैं। तभी वहां पर उस नन चुड़ैल की दिखती है, जिसे देखकर फादर वहां से भागने लगते हैं। फिर वह आइस रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर एक बर्फ में सड़ी हुई नन उन पर हमला कर देती है। यहां पर हमारे मेन हीरो फ्रांची की एंट्री होती है और वह उस नन को मार देता है और फादर को बचा लेता है। इधर सिस्टर एरिन को एक विजन आता है जो कि काफी ज्यादा डरावना होता है। यहाँ पर हम उस डीमन को अच्छी तरह से देख पाते हैं। इसके बाद एरिन की नींद खुल जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर एक नन प्रेयर कर रही होती है, पलक झपकते ही गायब हो जाती है। यहाँ पर उसे वही नन दिखती है जो कि स्टार्टिंग में सुसाइड कर रही थी। इसके बाद एरिन को एक आवाज सुनाई देती है जिसका वो पीछा करते करते उस दरवाजे तक पहुंच जाती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है गॉड का साथ यहीं तक। इसके बाद वो दरवाजा खुलता है तो उसे उस नन चुड़ैल दिखती है, जिसे देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। वह चुड़ैल अपनी शक्ति से एरिन को अपने पास खींचती है, जिससे बचकर वहां से भागने लगती है। फिर वह शैतान उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसे नन ओआना एक जगह पर छिपा लेती है। फिर ओआना एरिन को यहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद एरिन चर्च में जाती है जहाँ पर उसे एक बॉडी दिखती है। वो उसका कपड़ा हटाकर देखते तो हैरान हो जाती है, क्योंकि यह बॉडी नन ओआना की होती है। तभी वहां पर बहुत सारी नन आ जाती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए सभी को प्रे करते रहना है और अपनी निगाह मदर मेरी पर से नहीं हटाना है। तभी वो शैतान अपनी ताकत से सभी नन को उठाकर फेंक देता है। यहाँ पर सिस्टर एरिन के शरीर पर वह शैतान ब्लैक मैजिक से साइन का निशान बना देता है। तभी वहाँ पर फादर और फ्रांची आ जाते हैं। एरिन दरवाजा खोलती है और कहती है कि यहाँ पर हम सभी नन प्रे कर रहे हैं। तो तभी फादर कहते हैं, कौन नन? फिर एरिन पीछे मुड़कर देखते तो वहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं होता है। यानी यह सब सिस्टर एरिन का एक विजन होता है जो कि उस शैतान दिखा रहा था। फिर उन्हें वहाँ पर एक बॉडी दिखती है, जिसे एरिन कपड़ा हटाती है तो देखती है कि वह बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है
तभी वो बाड़ी उन पर हमला कर देती है, जिसमें फादर के पैर पर वो क्रॉस घुसा देती है, लेकिन फादर किसी तरह उसे क्रॉस दिखाकर जला देते हैं। तभी फ्रांसिस उसे गोली मारकर गिरा देता है। यहाँ पर सिस्टर एरिन सबको एक राज बताती है कि उस शैतान को निकलने के लिए एक जिंदा शरीर चाहिए, तभी वो शैतान इस दुनिया में आ सकता है। और इस शैतान को यहीं को कैद करने के लिए उस नन ने सुसाइड किया था, यानी उस नन ने अपना बलिदान दिया था ताकि वो शैतान यहाँ से बाहर न जा पाए, और शायद मदर मेरी ने मुझे इसके लिए चुना हो। इसके बाद सिस्टर एरिन अपनी शपथ लेती है और अपने आप को भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर देती है। उस शैतान को रोकने के लिए सिर्फ जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून ही रोक सकता है, इसे वो लोग ढूंढने लगते हैं। वो लोग एक मदर मेरी के स्टैचू तक के पास पहुंचते हैं, जिसकी उंगली से एक रोशनी निकल रही होती है जो कि एक की होल की तरफ इशारा कर रही थी। इसमें वो लोग चाबी डाल के खोलते हैं तो उन्हें वहां पर जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून मिलता है, जिसे फादर एरिन को दे देते हैं, जिससे वो लोग उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिखा था कि गॉड का साथ यहीं तक। इसके बाद वो लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो दोस्तों यहीं पर आत्माओं का खेल शुरू हो जाता है। इस मूवी में सबसे ज्यादा डरावनी क्लिप यहीं पर है। अंदर जाने के बाद वह लोग पोर्टल को खोजने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर एरिन आगे जाती है तो उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक नन चुड़ैल होती है। तभी साइड से एक चुड़ैल उस पर हमला कर देती है, जिससे छुड़ाकर एरिन एक कमरे के अंदर पहुंच जाती है और वो एक साइन के बीच में खड़ी हो जाती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वहाँ पर कई सारे मरे हुए लोग मिलते हैं, जिनके सर पर खून में लथपथ कपड़ा लगा होता है। इधर फादर को दिखाया जाता है जिसके पीछे कई नन चुड़ैल पड़ी होती है और उन्हें रोकने के लिए क्रॉस बनाकर उस पर आग लगा देते हैं, जिससे वो सारी नन चुड़ैल वो पार नहीं कर पाती। इधर फ्रांसिस सिस्टर एरिन को ढूंढता है और वो हीरो की तरह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसे भी वो सब दिखाई देते हैं जिनके सर पर कपड़ा लगा होता है। वो वहाँ पर डरता नहीं है और आगे बढ़ता रहता है तो वह देखता है एरिन एक अजीब पोजीशन में खड़ी है और उसके सर पर वही कपड़ा लगा हुआ है, जिससे वह हटाता है तो वह देखता है कि एरिन पूरी तरह से पोजेस्ट हो चुकी है और वह अपनी शक्ति से फ्रांसिस को दूर फेंक देती है और उसके पास जाकर उसे मारने की लगती है। लेकिन फ्रांसिस किसी तरह से जीसस क्राइस्ट का खून उसके चेहरे पर लगा देता है, जिससे शैतान एरिन के शरीर से बाहर निकल जाता है और वह डेमन नन अब अपने रूप में फ्रांसिस पर हमला कर देता है। इससे बचाने के लिए एरिन उसके पास जाती है, लेकिन वह नन अपनी शक्ति से उसे दूसरे कमरे में फेंक देती है। यहाँ पर सिस्टर एरिन को मारने के लिए वह नन चुड़ैल एरिन के पानी में डुबा देती है, जिससे बचाने के लिए फादर आते हैं, लेकिन उन्हें वह उठाकर अब फेंक देती है। यह चुड़ैल काफी ज्यादा ताकतवर होती है। फिर उस नन चुड़ैल को लगता है कि एरिन मर चुकी है और उसे ऊपर उठाने लगती है और वह उसके हाथ से जीसस क्राइस्ट का खून के ग्लास को लेता है और वह देखता है कि वह खाली है। इसके बाद एरिन अपने मुंह में से उस नन चुड़ैल के फेस पर खून फेंक देती है तो वह चुड़ैल जलने लगती है और वह उसी पोर्टल में चली जाती है। इसके बाद एरिन डूबने लगती है, तभी हमारा हीरो आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वह लोग सभी नन की बॉडी को दफना देते हैं और प्रे करते हैं। वह लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि फ्रांसिस गले पे उल्टा क्रॉस का निशान मिलता है। इसके बाद हमें 20 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एड और लोरिन फ्रांसिस के बारे में बता रहे होते हैं कि उसके शरीर पे कई सारे उल्टे क्रॉस के निशान बनना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे फ्रांसिस को उस शैतान ने अपने बस में कर लिया था। और लास्ट में फ्रांसिस लोरिन को उस पेयर का विजन दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।